इस समय रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की सगाई की खबरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर कर रखा है। ईशा अंबानी की सगाई आनंद पीरामल से हुई है और इटली में कल जश्न का दिन था। इन सब के बीच जियो के मालिक की एक खास बात आज हम आपको बताने वाले हैं। बता दें कि जिस जियो को आज पूरे हिंदुस्तान में यूज किया जा रहा है, दरअसल वो मुकेश अंबानी का दिमाग नहीं बल्कि उनकी बेटी ईशा अंबानी का दिमाग था। उनका ही आइडिया था कि फ्री में लोग अपने अपनों से खुल के बात करें। आज जियो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेलीकॉम वेंचर में से एक है। ईशा अंबानी ने अपने पिता को रिलायंस जियो का आइडिया 2011 में ही दिया था। इस बात का खुलासा खुद मुकेश अंबानी ने किया। रिलायंस जियो की लॉन्चिंग मुकेश अंबानी ने 2016 में की थी। आज रिलायंस जियो टेलीकॉम बाजार में अपने पैर जमा चुका है। रिलायंस जियो से टेलीकॉम सेक्टर को एक सख्त कॉम्पिटिशन दिया था, यहाँ तक कि वोडाफोन और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों को भी काफी हद तक परेशान कर दिया है। स्पिन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।